स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मेडिकल डिपार्टमेंट लिखित परीक्षा क्यों नहीं करवाई, इसको लेकर जवाब मांगा है। क्या आगामी भर्तियां भी अब लिखित परीक्षा से होंगी, पूरी वीडियो से इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि दोस्तों आपको जानते हैं कि कंपाउंडर और जूनियर ग्रेड सीधी भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। आप देख सकते हैं जैसा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद विभाग में 507 पदों के लिए हो रही कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड सीधी भर्ती 2021 में लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं रखने पर आयुर्वेद सचिव और निदेशक से जवाब मांगा है। तो दोस्तों, आपको पता है कि आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर की जो भर्ती है जूनियर ग्रेड की, उसमें 507 पदों को लेकर सीधी भर्ती आयोजित की जा रही है। इसी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने यहाँ पर जवाब तलब किया है कि इसमें लिखित परीक्षा का प्रावधान क्यों नहीं रखा गया। आयुर्वेद सचिव और निदेशक से जवाब यहाँ पर तलब किया गया है। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सी के सोनग्रा की खंडपीठ ने यह आदेश हरप्रीत सिंह व अन्य की याचिका पर दिए हैं। याचिका में कहा है कि राज्य सरकार ने गत 17 जून को भर्ती विज्ञापन जारी कर पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन मांगे गए। इन पदों के लिए सीधी भर्ती का प्रावधान रखते हुए आयुष प्रोजेक्ट व अन्य समान प्रोजेक्ट में काम करने वालों को बोनस अंक देने का यहाँ पर तय किया गया था। तो दोस्तों, नर्स ग्रेड जो आप देख सकते हैं, आयुर्वेद विभाग का मामला चिकित्सा विभाग में, आयुर्वेद विभाग में 507 है पदों पर जो कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड पर जो भर्ती हो रही है 507 पदों पर, इसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने जवाब यहाँ पर तलब किया। आयुर्वेद सचिव और निदेशक से जवाब तलब किया है। लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं होने पर यहाँ पर जवाब मांगा है। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सी के सोनग्रा की खंडपीठ ने यह आदेश हरप्रीत सिंह व अन्य की याचिका पर दिए हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड का पूरा मामला लिखित परीक्षा नहीं करवाने को लेकर यहाँ पर आयुर्वेद सचिव और आयुर्वेद निदेशक को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। 507 पदों का मामला कंपाउंडर और नर्स जूनियर ग्रेड का ये मामला बताया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।